हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है और ठंड में हमेशा हम लोगों को सर्दी खांसी की परेशानी हो जाती है, खासकर बच्चों को। और बच्चों के साथ तो इतनी परेशानी हो जाती है कि जो कफ है वो कोल्ड की वजह से उनकी छाती में जमा हो जाता है और वो निकाल नहीं पाते उसको, तो उसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाते हैं, तो बहुत परेशानी हो जाती है। हालाँकि हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हमें पता नहीं होते, तो आज ऐसी ही एक पोटली आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम कफ से बचाएगी। और उसको इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, बड़े भी बच्चे भी, और उसकी वजह से इन सर्दियों में आप अपने बच्चों को सर्दी से बचा सकते हो, कफ से बचा सकते हो, कोल्ड से बचा सकते हो, यहाँ तक कि अगर आपके जॉइंट्स में पेन रहता है तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पोटली को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अजवाइन। तो दोस्तों, अजवाइन को हम जानते हैं कि हम मोस्टली इसका यूज़ करते हैं नमकीन बनाने में, पूरी परांठे या नमक पारे वगैरह बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके जो छोटे छोटे दाने हैं ये इतने गुणकारी होते हैं कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतनी क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर। जो अजवाइन है वो सर्दी जुकाम बहती नाक और ठंड से तो निजात पाने की एक अचूक दवा है, और क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, जलनरोधी तत्व इसमें पाए जाते हैं और गैस वगैरह में इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी पोटली में इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लेंगे कपूर। तो कपूर आप सब जानते हैं कि पूजा पाठ में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद है कि जो सर्दी जुखाम होती है, फेफड़ों के संबंधी जो भी रोग होते हैं उसमें कपूर सूंघने से बहुत फ़ायदा होता है। जो ये विक्स और बाम बनाई जाती हैं इनमें भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कपूर लेंगे, इस तरह की छोटी छोटी टिक्कियाँ ले लेंगे। अगर आपको ये ना मिले तो आप बड़े वाले पीसेस जो आते हैं वो ले सकते हो। तो इन दो चीज़ों से मिलके हम बनाएंगे एक अपनी पोटली। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, आप कोई भी रुमाल ले सकते हो लेकिन कॉटन का ही होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने इस तरह का एक पीस ले लिया है और इसमें अब मैं डालूँगी अजवाइन। तो हमें यहाँ पे एक पोटली बनानी है, तो करीब 4 से 5 चम्मच हमें यहाँ पे अजवाइन के लेने हैं। और ये अजवाइन मैंने भून के नहीं ली है, बिल्कुल कच्ची अजवाइन है जैसे मार्केट से आती है। और अजवाइन ऐसी चीज़ है जो कि सभी जगह अवेलेबल होती है, हमारे किचन में हमेशा मिलती ही मिलती है। तो ये मैंने यहाँ पे 4 चम्मच अजवाइन ले ली है। और इसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे कपूर की टिक्कियाँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 कपूर की टिक्कियाँ ले ली हैं और इनको इसके साथ में ही रख दिया है मैंने। थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे और बहुत ही गुणकारी दवाई है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करके देखना सर्दियों में, और पूरी सर्दी बच्चों को बचा के रखती है। तो इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड करके और एक पोटली बना लेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ या तो इसमें एक रबर बैंड बांध लीजिए या फिर धागे की हेल्प से आप इसको बांध सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड बांध लिया है, थोड़ा सा इसको लूज़ रखना है, पोटली को बिल्कुल टाइट करके नहीं बांधनी है, इसको थोड़ा सा लूज़ करके ही रखें और ऊपर की तरफ से इसको बिल्कुल टाइट बांध दें। तो इतनी इस तरह की लूज़ होनी चाहिए ये। तो ये हमारी पोटली बन के तैयार है। आप चाहें तो इसमें बड़ी पोटली भी बना सकते हैं, लेकिन छोटी भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ गैस पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा आप कोई भी ले सकते हो, नॉनस्टिक भी ले सकते हो या लोहे का ले सकते हो। और उसके बाद जब तवा गर्म हो जाए तो आप इस तरह से पोटली को तवे पे रख के गर्म करें, और जो भी बच्चे हैं उनके छाती पे और उनकी कमर पे इस तरीके से सिकाई करनी है। तो इस तरीके से हल्के हल्के उनको आप सिकाई करें, और ये आपको दिन में 2 बार करनी है सिकाई। एक बार दिन में कर लीजिए किसी भी टाइम, और एक बार रात को सोने से पहले कर दीजिए। तो उनकी कमर और छाती में इस तरह से आपको सिकाई करनी है। तो इस तरह से सिकाई करने से क्या होगा कि एक तो बच्चों का जो कफ है छाती में जमा हुआ वो निकल जाएगा इजीली, और उनको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, वो आराम से सो पाएंगे और जल्दी ही उनकी खांसी सर्दी सब दूर हो जाएगी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव
नुस्खा है दोस्तों, बहुत ही पुराना नुस्खा है और घरेलू सामान से बन के तैयार होता है। ज़्यादा आपको कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूर इसको इस सर्दियों में ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इस नुस्खे को बड़ा हो या बच्चा हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो किसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से ये पोटली बनके तैयार है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।